मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को आज चौथा दिन है और तालिबान में दो फाड़ नजर आ रहा है। बदख्शन तालिबान और पश्तून तालिबान में मतभेद हो गया है। बदख्शन तालिबान ने आरोप लगाया है कि पश्तून तालिबान उनका लगातार अपमान कर रहा है। बदख्शन तालिबान का कहना है कि उनके लीडर मौलवी फसीहद्दीन को पश्तून तालिबान ने 3 घंटे तक कैद करके रखा, उनके हथियार ले लिए और कंधार तालिबान के बीच बचाव करने पर ही उन्हें छोड़ा। इस घटना के बाद बदख्शन तालिबान बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। तो तालिबान दो फाड़ 4 दिन हुए हैं कब्जा हुए। अफगानिस्तान में इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबानी कब्जे के बाद धीरे धीरे उनकी मंशा भी साफ होती जा रही है। आज अमेरिकी फौज ने करीब 150 भारतीयों को काबुल से निकालकर दोहा भेजा है। वहां से ये लोग दिल्ली लाए जाएंगे, लेकिन अभी भी सैकड़ों भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और भारतीय वायुसेना उन्हें निकालने की भरसक कोशिश कर रही है। सरकार से सिर्फ ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि जितनी जल्दी हो सके सारे भारतीयों को वापस लाया जाए। We are in the touch with Ministry of External Affairs and they are coordinating with us. They are giving us some information regarding the rescue. हमारी दरख्वास्त है पीएम मोदी जी से, प्लीज हमें जल्दी जल्दी यहाँ से हमें निकाले। हमारी गलती से हमको यहाँ से निकाला जाए, हम यहाँ बहुत दिक्कत में। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पापा सही सलामत इंडिया आ जाएं और योगी जी से मोदी जी से यही गुजारिश है। बिना किसी नुकसान के इसे चैलेंजिंग जगह से लेकर आए। कहाँ से आए हैं आप, कौन से शहर से आए हैं? नहीं, हम लोग अभी काबुल से आए, आप सबको मालूम है। और मौत का सवाल था वहाँ पर और लाइफ सेविंग है जो भारत सरकार ने अपने जवानों को और उनके जिस विश्वास से भेजा था उसी विश्वास से वापस बुलाया। अफगानिस्तान में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं, सब सकुशल वापस भारत आना चाहते हैं। भारतीय वायुसेना लगातार मिशन काबुल में जुटी हुई है, बेहद खतरनाक हालातों में जहां हर पल जान दांव पर लगी हुई है। इंडियन एयरफोर्स के जांबाज जवान भारतीयों को वहां से निकाल कर वापस ला रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के हालात बेहद खराब है, यहाँ लैंड करना या टेक ऑफ करना आसान नहीं है क्योंकि तालिबान राज में उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर विमानों को ऑपरेट करना न सिर्फ बेहद मुश्किल है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। काबुल एयरपोर्ट पर लगातार गोलियां चल रही हैं। अमेरिकी सैनिक वहां मौजूद हैं, वो किसी तरह से काबुल एयरपोर्ट को चालू रखे हुए हैं, लेकिन हर सेकंड यहां लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान बड़े संकट मोचक की तरह काम कर रहा है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने में इसकी बेहद अहम भूमिका है। काबुल से अब तक करीब 200 भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी सैकड़ों भारतीय वहां फंसे हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले प्रोफेसर आबिद हुसैन। प्रोफेसर आबिद भी काबुल में फंसे हुए हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बताया कि फिलहाल वो सुरक्षित हैं। वहाँ जहाँ पर अभी आप हैं, क्या वहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कतें आप लोगों को आ रही है या आप लगातार संपर्क में हैं? बिल्कुल नहीं, एकदम नॉर्मल, सब शांत, एकदम नॉर्मल कंडीशन में है। जैसे हम पहले थे वैसे अभी हैं। आसपास भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल है। बाहर मार्केट वुकेट सब नॉर्मल। ऐसे भी आज छुट्टी का भी दिन है यहाँ, तो मुहर्रम की 10-11 तारीख है, आज थर्सडे भी है, तो ये छुट्टी का भी दिन है, तो नॉर्मल है। We are very safe and secure in the campus. हालांकि तब भी इनका परिवार बेहद परेशान है और डरा हुआ है। वो चाहते हैं कि प्रोफेसर आबिद जल्द से जल्द काबुल से भारत वापस लौट आए। जो स्थिति है वहाँ पर उसको कैसे देखते हैं आप? मैं, आप और हम लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, टीवी से देख हम लोग तो कैमरा से देख रहे हैं, तो कैमरा जो दिख रहा है और ये जो बोल रहे हैं इसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसलिए भी लोग घबराया हुआ है कि जल्द से जल्द आ जाएं। आपके परिवार में बाकी लोग, उनकी पत्नी जो है या उनके आपके माता पिता जो है, वो लोग ऑब्वियसली परेशान है, तो वही हम लोग भी समझा रहे हैं उनको कि घबराइए नहीं, इंशाल्लाह इंडिया गवर्नमेंट भी काम कर रही है और जल्द से जल्द ले आएंगी लोगों को। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के अभियान में वायुसेना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए इन लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लाया जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर भी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकाल कर लाना सरकार की प्राथमिकता है।
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में कई जगहों पर भारतीय फंसे हुए हैं, इनमें सबसे ज्यादा काबुल में हैं। इसके अलावा राजधानी काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर जलालाबाद और करीब 800 किलोमीटर दूर हेरात में भी भारतीयों के फंसे होने की खबर है। भारत सरकार को अफगानिस्तान के बिगड़ते हालातों की पल पल जानकारी थी। काबुल पर तालिबानी कब्जे की जैसे ही आशंका हुई, फौरन भारतीय वायुसेना को अलर्ट किया गया और फिर एयरलिफ्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। भारतीय वायुसेना को 14 अगस्त को इस बारे में सूचना दी गई कि अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारतीय दूतावास के स्टाफ को सुरक्षित निकाला जाना है। इस स्टाफ में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन और दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सुरक्षा स्टाफ में तैनात 100 से अधिक ITBP के जवान शामिल है। वायुसेना ने दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर तैनात स्काईलॉर्ड स्क्वाड्रन को काबुल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। स्काईलॉर्ड स्क्वाड्रन में दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक C-17 ग्लोब मास्टर मौजूद है। फिलहाल दो विमान काबुल से भारतीयों को लेकर वापस आ चुके हैं। तीसरी बार भी C-17 विमानों को काबुल भेजा जा सकता है। हालांकि अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर नागरिक विमानों की आवाजाही पिछले 3 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के आसपास भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान में फंसे लोगों और वीजा सहायता चाहने वाले लोगों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय का बनाया विशेष सहायता सेल भी काम करने लगा है। साथ ही इसमें लोगों के सहायता आवेदनों का आंकड़ा हर घंटे बढ़ता ही जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगले 72 घंटे में काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नागरिक उड़ान सेवाएं बहाल होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसा होते ही अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी का काम और तेजी से हो सकेगा। काबुल का यह हवाई अड्डा इस समय अमेरिका के नियंत्रण में है और भारतीय अधिकारी लगातार अमेरिका के साथ संपर्क में हैं। भले ही काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है, लेकिन हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान भी एयरपोर्ट पर कंट्रोल के लिए कोशिशें कर रहा है। इसीलिए भारतीयों को वापस लेकर आना बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, बद से बदतर हालात वहां पर होते जा रहे हैं। इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं फिल्म निर्देशक उज्जवल चटर्जी, जिन्होंने एस्केप फ्रॉम तालिबान फिल्म बनाई थी। उज्जवल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। मेरा सवाल आपसे यही है कि जो समस्या वहां चल रही है वो तो किसी से छुपी हुई है नहीं, लेकिन आपने क्योंकि इस पूरे जो तालिबान है उसके ऊपर एक फिल्म बनाई थी, अफगानिस्तान को गहराई से आपने समझा था, तालिबान के आने के बाद वहां आम लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या आप देख रहे हैं जब आपने फिल्म के लिए रिसर्च की थी उस समय क्या हालात थे जो आज से इतर आप देख रहे हैं? वंदना जी, पहले तो आपको हम स्वागत करते हैं। मेरा नाम शोभना यादव है उज्जवल जी। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा चेतना जी, सॉरी शोभना, शोभना आपको भी हमारा तरफ से आंतरिक ये। अच्छा शेर, ओके। आई कांट हियर प्रॉपरली, बेसिकली थोड़ा लाउडली बोलिए ना प्लीज। जी। ओके, तो आपका एबीपी न्यूज में भी हमारा ये हमारा तरफ से अभिनंदन जी। हम जब ये फिल्म किया था, ये फिल्म था बेसिकली 2014 सितंबर और अगस्त हम लोग गया था रेकी करने के लिए। ये जो फिल्म था ये था सुष्मिता बनर्जी का बायोपिक। आप फिल्म देखा था कभी हमारा एस्केप फ्रॉम तालिबान? मैंने देखी नहीं है, लेकिन अब मैं जरूर देखूंगी। देखा था जी, मैं अब जरूर देखूंगी उज्जवल जी, अभी तक तो मैंने नहीं देखी। ओ, है अच्छा, ये बेसिक अब देखूंगी मैं। अच्छा, ये बेसिकली अमेज़न में है, आप देख सकते हैं। ये सुष्मिता बनर्जी बोल के एक लेडी था, जो लेडी गॉट मैरिड टू अफगानी गाय, तो उसको शादी करने के बाद वो चला गया था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में उसका इनलॉस था सराना। सराना माने बेसिकली काबुल जलालाबाद का बाद सराना, प्राय 12 घंटा का रास्ता ये था। तो हम लोग जब सोचा था हम लोग ये फिल्म बनाएगा मनीषा को लेके, तब हम लोग रेकी करने के लिए गया था। रेकी का हम थोड़ा एक्सपीरियंस बता रहा है, क्योंकि बाकी तो सब एक्सपीरियंस हम हमारा फिल्म में सब बता भी दिया। एक्सपीरियंस था, हम लोग जब काबुल एयरपोर्ट से उतार के बाई कार हम लोग गया था। उधर जाने के बाद जलालाबाद जब क्रॉस किया था उसी टाइम सराना और मालकाना का बीच में हमारा गाड़ी रोक गया था। एक लड़की आ रहे थे बोरखा पहन के, दौड़ रहा है, उसका पीछे 5-7 लड़के, तो मालूम नहीं हो तालिबान।
तालिबान लोग उसको फायर कर रहा है और वो बांच के भाग रहा है। हम लोग गाड़ी लेके स्टॉप हो गया। होने के बाद हमको सुष्मिता दी बताया था जे वो लोग की तालिबान है। तालिबान का उसी टाइम तालिबान ओनली अफगानिस्तान में 1600 था, माने 1600। तालिबान मीन्स इस्लामिक स्टूडेंट। लेकिन वो लोग का कोई कुछ धर्म टर्म कुछ नहीं है। हम शरियती पढ़ा, हम कुरान भी पढ़ा। वो लोग खुद को एक उग्र धर्मांध आदमी, जो लोग वोमेन्स लिबरेशन, वोमेन्स एम्पावरमेंट, वोमेन्स सेफ्टी एवं बच्चा लोग का जो ड्रीम, बच्चा लोग का जो एजुकेशन, ये सब मतलब बिल्कुल उज्जवल चटर्जी, आपकी रिसर्च भी यही कहती है कि इन तालिबानियों का कोई धर्म नहीं है। हालांकि एक ट्राइब को ये लोग जरूर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी गोली चलाना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, अगवा करना कोई धर्म नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई एयरपोर्ट से सोने की तस्करी में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। स्कैनिंग के दौरान महिलाओं के पेट से 50 लाख से ज्यादा का सोना मिला है। तो महिलाओं के पास से 1 किलो से ज्यादा का सोना मिला है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसकी राह इतनी आसान भी नहीं है। आज कई इलाकों में तालिबानी लड़ाकों के सामने ही लोगों ने अफगानिस्तान के झंडे लहराए। लोगों की इस हिम्मत की पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने बेहद तारीफ की है। साले ने तालिबान के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। ये वो अफगानी है जिन्हें तालिबान से डर नहीं लगता, जो तालिबान के सामने अपने देश अफगानिस्तान का झंडा लहराते हैं। ये वो अफगानी है जिन्हें तालिबान की गोलियों की परवाह नहीं है, उन्हें अपने देश के झंडे को ऊंचा रखना है। ये वो अफगानी है जो जानते हैं कि असल तालिबान क्या है, और अगर उसका विरोध न किया गया तो उनका प्यारा देश तालिबान के हाथों का खिलौना बनकर रह जाएगा। इन्हीं अफगानियों में से एक है अमरुल्ला साले, जिन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ देने के बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया है, और उन्होंने तालिबान को साफ संदेश दिया है कि वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करने वाले हैं। अमरुल्ला सालेह अफगानिस्तान में ही हैं, वो देश छोड़कर नहीं गए। इस वक्त वो पंजशीर इलाके में है जहां तालिबान अभी तक अपना कंट्रोल नहीं कर पाया है। शायद अपने इसी लीडर की हिम्मत को देखकर ही अफगानिस्तान में कई जगहों पर लोगों ने खुलेआम तालिबान का विरोध शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के झंडे तालिबान के सामने लहराए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के इन्हीं हिम्मती लोगों का वीडियो देखकर अमरुल्ला सालेह ने ट्वीट के जरिए इनका शुक्रिया अदा किया है, अपनी खुशी जताई है। ट्विटर पर सालेह ने लिखा है, मैं अपने देश के उन सम्माननीय लोगों के साहसी और देशभक्तिपूर्ण आंदोलन के लिए अपना सम्मान, समर्थन और खुशी व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अपना राष्ट्रीय झंडा अलग अलग जगहों पर लहराया है। कई लोग ऐसा करते हुए शहीद हुए हैं, उन्हें सल्यूट करना चाहिए जो राष्ट्रीय झंडे को लेकर देश और देश की गरिमा के लिए खड़े होते हैं। अमरुल्ला सालेह ने तालिबान के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने तालिबान के सामने अपनी नॉर्दर्न अलायंस की फौज खड़ी करने का दावा किया है। अपने समर्थन का उन्होंने एक रैली के जरिए प्रदर्शन भी किया। सालेह को साथ मिला है अहमद मसूद का। अहमद मसूद पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जिन्हें ना तो रूस हरा पाया था और ना ही तालिबान हरा पाया था। पंजशीर उन्हीं अहमद शाह मसूद का इलाका है। साले का हिस्ट्री डिफरेंट है विद द तालिबान, और साले को शामिल करना विल बी अ बिग स्टेप फॉर तालिबान। साले ने हमेशा तालिबान के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग रुख रहा है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री है। अहमद शाह मसूद के वो सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर रहे हैं फ्रॉम द 90s। अमरुल्ला साले कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस को, पर अगर इस बार जो 2001 का जो तालिबान का अगर आप कैंपेन देखें, वो स्ट्रेटेजिकली एंड टैक्टिकली उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट को सबसे पहले कब्जा किया है, और दैट इज़ द डिफरेंस फ्रॉम 96 में नॉर्थ में वो वीक थे, जब नॉर्दर्न अलायंस वहाँ अहमद शाह मसूद और उनका जो फौज थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब वो नॉर्दर्न अलायंस पहले वाला नॉर्दर्न अलायंस नहीं है। जाहिर सी बात है, नॉर्दर्न अलायंस के जरिए सालेह तालिबान के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सालेह ने सीधे सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। सालेह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि देशों को कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए, हिंसा का नहीं। अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान उसे निगल नहीं सकता, और तालिबान के शासन के लिए भी अफगानिस्तान बहुत बड़ा है। अपने इतिहास को आतंकवादी समूहों के लिए अपमान और झुकने पर एक अध्याय न बनने दें। जाहिर सी बात है, आने वाले कई साल तक अफगानिस्तान में हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। सालेह अपने आप को मजबूत करने में जुटे हैं। अब तालिबान से उनकी लड़ाई कहां तक और कब तक खिंच पाएगी कहा नहीं जा सकता,
लेकिन इतना तो तय है कि तालिबान की राह भी इतनी आसान नहीं रहने वाली है। तो एक तरफ तो तालिबान के खिलाफ ऐलाने जंग वहां के लोगों का, लेकिन अफगानिस्तान से जो लोग लौटे हैं भारत, जो काबुल में फंसे हुए हैं, उन भारतीयों का क्या दर्द है? हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह के साथ ऐसे कई लोग आए, आइए बात करते हैं। इनमें शामिल हैं अशरफ गनी के सलाहकार रहमतुल्ला अहमद जई, सुनते हैं क्या कुछ कहना। पंद्रह अगस्त को जब तालिबान ने पूरी तरह से काबुल पर कब्जा किया, अफगानिस्तान पर अपना ग्रिप बनाया, तब एक विशेष दस्ता भारत पहुंचा था उस शाम, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट, एक्स गवर्नर और प्रेसिडेंट अशरफ गनी के सीनियर एडवाइजर शामिल थे। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए सभी लोग हैं प्रेसिडेंट अशरफ गनी के सीनियर एडवाइजर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूं, प्रेसिडेंट गनी चले गए और उसके बाद तालिबान ने कब्जा कर लिया, अब वहां एक दूसरी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो सकती है और इसका ये कैसा हो सकता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गवर्नमेंट बनाना अच्छी तरीके से हो सकता है जब सारे अफगानिस्तान का जो सियासी लीडर है, जिहादी रहबर है, ये सारा अगर इकट्ठे काम कर ले तो ये अच्छा सा गवर्नमेंट बना सकता है। ये लोग अफगानिस्तान लोगों के लिए एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट और कंट्री उसको चाहिए। उसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन रोल में है, तालिबान होगा या प्रेसिडेंट गनी होगा, लेकिन लोग जो है वो पीस चाहता है, ऐसा कंट्री चाहता है उसमें जो उसमें करप्शन नहीं होगा, सारे लोग को आदल होगा, तो ऐसा हुकूमत अफगानिस्तान लोगों को चाहिए। अरे क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया, हमने देखा कि हामिद करजई साहब से बात हो रही है, हमने देखा हिकमतियार साहब से बात हो रही है, डॉक्टर अब्दुल्ला से बात हो रही है, पहले का तालिबान अगर हम याद करें, आपको लगता है कि इस बार कुछ चेंज दिख रहा है? बिल्कुल, पहले बार जो तालिबान था वो बहुत स्ट्रिक्ट तालिबान था। अभी तालिबान जो कतर में उसका ऑफिस बना हुआ है, सारो कंट्री जो है पॉलिटिकल इदारे जो है उसके साथ रबते में है, तो वो ये नया तालिबान जो है वो बिल्कुल बदल हो गया है और ये चाहता है कि ऐसा मुल्क बना दे, ऐसा रियासत बना दे जो उसमें सारे लोगों का सारे लोग इन्वॉल्व होगा। अगर इन्वॉल्व नहीं हुआ तो ये गवर्नमेंट ज्यादा मुद्दे तक नहीं चल सकता है, तो इसलिए ये सारे दुनिया के लिए और सारे पड़ोसी मुल्क जो है, जो उसमें इंडिया भी है, उसके साथ अच्छा ताल्लुक और अच्छा रिलेशन होना चाहिए। सर प्रेसिडेंट गनी चले गए उसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और जो बाइडन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ये कहा कि हम वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे जो अफगान नहीं लड़ सकते, गलती अशरफ गनी की थी। नहीं, गलती तो ज्यादातर जो बाइडन का था, उसने सपोर्ट का वादा दिया था सारे अफगानिस्तान लोगों के लिए, लेकिन वो जो उसने वादा दिया था उसने पूरा नहीं किया। बाइडन को चाहिए कि अफगानिस्तान की मजलूम लोगों से माफी चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट जो उसने वादा दिया था उसने अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया। सर मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूंगा कि जिन सूरत हाल में आप लोगों को वहां से आना पड़ा, आप लोगों को क्या वाकई लगता है, जैसे रिजवानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि एक ब्रॉड बेस गवर्नमेंट बनेगी और वो सक्सेसफुल हो सकती है? या एट द मोमेंट एज पर आवर इंफॉर्मेशन देयर इज यू नो नेगोशिएशन इन बिटवीन द तालिबान लीडर व्हिच यस्टरडे दे केम फ्रॉम दोहा टू काबुल, सो द मोस्ट सीनियर देयर you know representatives came from Dubai to Kandahar, then now today is in Kabul. So they have a plan to talk to all these peoples who are involved in the last 20 years politics of active politics of Afghanistan. So it is a very good idea if they can make a broad based government with a multi nation government in Afghanistan, that will be so better. Otherwise if they make a single party or their own government, it will face, you know, the resistance by the people of Afghanistan. This is my, you know, comments. जैन साहब मैं ये सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा जिसका जिक्र मेंबर पार्लियामेंट ने किया है कि अगर फुली तालिबान कंट्रोल गवर्नमेंट बन जाती है, ऐसे में क्या कोई रेजिस्टेंस नॉर्दर्न अलायंस जैसा दोबारा से उठ सकता है? क्योंकि हमने अमरुल्ला साहब का बयान देखा, वो उन्होंने खुद को राष्ट्रपति कह दिया। अभी तक हम लोग उन्हें वेट कर रहे हैं,
वी हैव टू वेट फॉर फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान. अभी हम कुछ नहीं बात कुछ नहीं वो कह सकते कि क्या होगा, मगर अफगानिस्तान के लिए ये जो जॉइंट गवर्नमेंट और एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट इज गुड फॉर ऑल अफगानी. यानी आप लोगों की भी अपील है तालिबान से कि एक ब्रॉड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट. यस यस, जिसमें सभी लोगों को मौका. यस यस सर, वहां पर काफी लोगों को ये चिंताएं होती हैं कि औरतों के हक, बच्चों के हक, इनका ख्याल रखा जाएगा क्या? आपको भी लगता है कि इन चीजों को एड्रेस करना जरूरी है? एक चीज जो हकीकत है वो ये है कि अफगानिस्तान के सारे लोग जो है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, मिलिट्री पीपल है, लोकल लोग हैं, सब लोग अशरफ गनी से भी यही चाहते थे, अब तालिबान से भी यही चाहते हैं. मैं भी उनसे यही चाहता हूं कि औरतों के, बच्चों के, आम लोगों के जो हकूक है, जो हक है, जो फंडामेंटल लॉ में उसे दिया है, जो इस्लामिक लॉ में उसके उन लोगों को दिया है, उसका तहफ़ किया जाए. ये जो इम्प्रूवमेंट अभी तक जो पिछले 20 सालों में आया है अफगानिस्तान में, स्पेशली डेमोक्रेटिक फील्ड में, उसका तहफ़ किया जाए. ये आम हर बच्चे का, हर औरत का, हर इंसान का ये उम्मीद और मांग है तालिबान से. ये हमें, हमारा उम्मीद भी यही है उनसे. लगता है कि वो तब्दीली इस बार नजर आ रही है? ये पिछले 3-4 दिनों से हम जो तालिबान के हुकूमत की जो रवैया बर्ताव है लोगों से, वो जो देखते हैं, इससे ये वाजह होता है कि इस तालिबान के जो पहले हुकूमत था उस और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज आ गया है. लेकिन उम्मीद लोगों के इससे भी ज़्यादा है, तवक्कु ज़्यादा है. अगर तालिबान ऐसा तालिब आए जो अफगानिस्तान के लोगों के दिल पर हुकूमत कर ले, लोगों को आज़ादी दे, मीडिया को आज़ादी दे, और आमदा ऐसा औरतों और बच्चों के हकूक को तहफ़ दे, तो ये लोग उनसे फिर हमकारी करेगा, मदद करेगा. अगर वैसा नहीं किया तो अफगानिस्तान के लोगों पर कोई भी, चाहे वो तालिब हो, दूसरा कोई सियासी पार्टी हो, उन लोगों पर हुकूमत करना उनके लिए आसान नहीं होगा. अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के खिलाफ लगातार आवाजें बुलंद हो रही हैं. बड़ी खबर ये काबुल से. राष्ट्रपति भवन के पास अफगान समर्थकों ने अफगानिस्तान का झंडा लेकर प्रदर्शन किया है. आज 19 अगस्त है, आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, और प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, अफगानिस्तान जिंदाबाद. प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए. तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं. तालिबान की राह इतनी आसान नहीं होगी. ABP News आपको रखे आगे.